दिवस है। इस अवसर पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न कार्यक्रम और शिलान्यास किया जा रहा है समय से, जिसके बारे में हमारे यहाँ 1090 112 महिलाएं हेल्प डेस्क, आज हमारे यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में जो है विभिन्न महिला चौकियों का उद्घाटन किया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों के पास नंबर है थाने का, जो पीछे लड़कियां बैठी हैं खाने का नंबर, बच्चे बच्चियां सबके पास नंबर है? खाने का नंबर याद है? 112 तो नहीं सामान्य नहीं नंबर पेन कागज ली हो? चलो इसके बारे में अभी आपको डिटेल से हमारी महिला आरक्षी राखी आपको डिटेल से बताएगी कि आपकी इस सुविधाओं के लिए कौन कौन सी योजना जो है चलाई गई है, इन संबंध में आपको जानकारी देंगी जो राखी। मंगवा ले क्या सर? क्या अध्यापकगण, जैसा कि अवगत कराना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च से 16 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। उसके अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा तथा उनकी जागरूकता आ गया आप आ गया ना आ गया सुरक्षा तथा जागरूकता प्रदान करना है और उनके सम्मान तथा आत्मरक्षा के लिए जागरूक कराना है। यदि आपको कहीं भी कोई समस्या आती है तो आप थाने का महिला हेल्प डेस्क नंबर 73 73 88 35 09 तथा 91 91 तथा थाने का शिवजी नंबर 94 54 40 28 72 पर सूचित कर सकते हैं। थाना जहांगीरगंज की पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, तत्काल से कार्रवाई करेगी तथा राज्य सरकार द्वारा द्वारा आयोजित अभियान जैसे कि 10 वुमेन पावर लाइन 1090 तथा महिला हेल्पलाइन 181 पर सूचित करें। हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद जय भारत। ये जो नंबर आपको बताए गए हैं अभी नोट करा दिए जाएंगे। समस्या आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कहीं कोई परेशान करता है, तो इस नंबर का प्रयोग आप तभी करेंगे। ये नहीं कि 11 रात बज रहा 11 कि इसके बाद नंबर चेक करने लगे, ठीक है? किसी समस्या किसी विपरीत परिस्थिति में ही इसको मिलाना है, ट्राई नहीं करना है, ठीक? किसी कुछ पूछना है?
सारे गांव में बेइज्जती कर रहा ये तन्ने मेरी सागरो अजो
है। आज लेट हो गया तो आज न जा, बियाने से जाइया स्कूले।
कहा था मम्मी और दादी की बात न लेके चला करा। नमस्ते मैम। नमस्ते, सीमा स्कूल क्यों नहीं आई? आज घर पर जरा काम था इसलिए नहीं आई, कल से जाएगी। सीमा को स्कूल रोज भेजिए। ठीक है मैम। उसे पढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक है मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।